ऊपर कर लो। आज हम यहाँ विभागीय आयुक्त कार्यालय में आए हैं दिल्ली गेट औरंगाबाद में, और मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र को एक निवेदन दे रहे हैं मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से। औरंगाबाद के तमाम जितने लोग हैं मराठवाड़े के, उनकी खासतौर से अपील है महाराष्ट्र से, मुख्यमंत्री जी से, कि महाराष्ट्र के अंदर जो है मुसलमान जो है 70 साल से बहुत पीछे हैं, और उनको जो है आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो है मुस्लिम को जो है रिजर्वेशन जो है तालीम का दिया गया है 5% के बाद, वो रिजर्वेशन को जो है नौकरी के साथ दिया जाए, इस तरह का मुतालबा जो है यहाँ पूरे एनजीओस ने और स्टूडेंट्स ने और जो है पालक ने मिलकर आज यहाँ पर निवेदन देने के लिए आए हैं विभागीय आयुक्त कार्यालय में। इनके मार्फत हम मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। हमारी मांग ऐसी है कि फौरी जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन दे, क्योंकि गहबार के जो आयोग ने रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, इसमें साबित हो गया है कि मुसलमानों की आर्थिक जो है हालत बहुत ख़राब है, और इनको रिजर्वेशन फौरी देना चाहिए। और मराठा आंदोलन में मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा आगे रहा है, हमारे मराठे भैया भी को भी जो है रिजर्वेशन का जो मसला है हम उसकी तायद करते हैं, और उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए। ये सारे मुस्लिम समाज जो है महाराष्ट्र का उनके साथ है, और हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे को फौरी मराठा रिजर्वेशन के साथ में रिजर्वेशन महाराष्ट्र सरकार ने देना चाहिए। आपका नाम और एनजीओस के नाम बताइए। हमारा मेरा नाम मोहसिन अहमद है, मैं महाराष्ट्र मुस्लिम जो है रिजर्वेशन का जो है जन जागरण समिति महाराष्ट्र का सदर हूँ, और ये जो यहाँ जो निवेदन दिया गया राजीव गांधी संस्था की तरफ से दिया जा रहा है एक, और एक निवेदन जो दे रहा है गोल्डन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से दिया जा रहा है, एक राहुल गांधी जो है यूथ एंड वेलफेयर कल्चर की तरफ से दिया जा रहा है, जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं उनके, ये सब आए हैं और इन्होंने राइटिंग में निवेदन दिए। इससे पहले भी 25 NGO ने यहाँ पर निवेदन दिया है जो ऑफ द रिकॉर्ड है। एज अ पेरेंट्स की हैसियत से, सरपरस्त की हैसियत से आज हम यहाँ पर आए हैं, हम डिविजन कमिश्नर ऑफिस में निवेदन देने आए हैं, ताकि हमारे बच्चों को तालीम के साथ साथ नौकरियों में भी रिजर्वेशन मिले। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उन्हें तालीम के साथ साथ नौकरियों में भी रिजर्वेशन मिले, और हमारे बच्चे आगे बढ़े। उनका हमारा जो कौम है, हमारी जो मुस्लिम सोसाइटी है, बहुत ही माशी हालत में बहुत पीछे हो गई है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें तालीम में भी और नौकरियों में भी रिजर्वेशन मिले, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, हमारी माशी हालत बेहतर हो जाए।